नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव के सुपरमार्केट से होते हुए जयगांव दो ग्राम पंचायत जाने वाला मुख्य सड़क पे, और दृश्य कुछ नया नहीं है, लेकिन आज जो आपको दृश्य दिखाने वाले हैं, आप ये दृश्य देखें और खुद सोचे कि जयगांव में डेवलपमेंट कितना बुलंद है। क्योंकि सड़कों से अगर गंगा बह रही हो तो इसे डेवलपमेंट ना कहे तो क्या कहेंगे। और आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था, और आज यह क्षेत्र में आप देख सकते हैं पूरी तरह से सड़कों से गंगा बह रही है। ये एक डेवलपमेंट ही है, टू इन वन फैसिलिटी है जो जयगांव में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये मुख्य सड़क है जयगांव दो ग्राम पंचायत जाता है, और उसपे किस तरह से सड़कों पे गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं। और ये स्थिति है जयगांव दो ग्राम पंचायत क्षेत्र का सुपर मार्केट के क्षेत्र में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और कुछ दृश्य हम आप सभी के समक्ष दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो सड़कों से गंगा बहने के लिए मजबूर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का अवस्था देखिए, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम लाचार हो रखा है, पूरी तरह से भर चुका है, ना देखने वाला कोई है ना सुनने वाला कोई है। ये दृश्य आप देखें किस तरह से पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है, ब्लॉकेज हो रखा है। लेकिन जब तक जयगांव मिरर्स या कोई मीडिया इस तरह की समस्याओं को नहीं दिखाएगा, तब तक नेतागण की आंखें नहीं खुलती और कार्य भी नहीं होता। और बाद में कहेंगे कि ये तो हम लोग करने वाले थे, डेट भी अनाउंस हो गया था, शुभ मुहूर्त भी निकल गया था, बस मीडिया वाले ही इस वीडियो को नहीं दिखाए और न्यूज कवर नहीं किए। आप देख सकते हैं आगे भी अगर जाएंगे तो इसी तरह से देखने को आपको मिलेगा कि सड़क ये सड़क कुछ महीने पहले ही बनाया गया था, और सड़क भी जवाब देने लगा है, जगह जगह गड्ढा होना शुरू हो गया है। और ये दृश्य आप देखें किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम लाचार, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, और ड्रेन का जो पानी है वो सड़कों से बहने के लिए छोड़ दिया गया है। यह आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों से होते हुए बह रहा है, पूरी तरह से लाचार अवस्था यहाँ पे देखी जा रही है। किस तरह की बदबू इस नाले के पानी से आ रही है, ये यहाँ से आने जाने वाले लोगों को ही पता चलता होगा। हम लोग यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम गणेश सर। दुकान आप ही का है? जी नहीं, हम काम करते हैं। रुपेश सर? रुपेश सर के यहाँ पे काम करते हैं आप? यहाँ पे नाला का पानी बह रहा है, गन मारता है? पूरा गन तो मारता है, गन मारता है। असुविधा होता है? असुविधा तो होता है, कस्टमर लोग आता है ये गंदा पानी की वजह से? बहुत कस्टमर तो अभी उधर ही मार्केट ही करके चला जाता है, उधर ही चला जाता है, इधर नहीं आता है गंदा की वजह से। गंद किस तरह का समस्या हो रहा है भैया? पूरा गंद आ रहा है, देख रहे हैं, पूरा गंद आ रहा है, दिन रात पानी बह रहा है। ग्राम पंचायत जाने वाला, पंचायत ऑफिस जाने वाला सड़क है, कोई दिखता नहीं है? पता नहीं दिखता। हम लोग तो क्या बोले सर, हम लोग तो काम करने वाले एक कर्मचारी है, अपना ड्यूटी से घर, घर से दुकान। अब जिनको देखना होगा, अब नेता लोग भी तो चलता ही होगा यहाँ पे, सिर्फ हम ही लोग तो अब नहीं देखते, नेता लोग भी, अब उन लोगों का सोच में चलना चाहिए। लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? गणेश सा। काम करने वाले ये हैं, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है, समस्या हो रहा है, और लोग किस तरह से जा रहे हैं आ रहे हैं वो भी आप दृश्य देखें, किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, किस तरह का समस्या है वो भी देखें। आंटी नमस्ते। मीना देवी सर। अच्छा, गंद पानी बह रहा है नाला का, गंद तो आएगा करता है, बाकी इन्हें के अथवाट के आदमी के रूप चाहिए। हाँ, पूजा उजा करने जाये तो कैसे नाला में के पानी हेल के जाये आदमी? हाँ। तो दिक्कत तो होबे करे, तो आदमी के सब के समझ है, जाना पड़ता है। आंटी बोलिए, क्या बोलेगा हम लोग? कोई नेता लोग नहीं देखता है यही रास्ता से, तो नेता सब लोग जाता है, तो वो लोग के आँख न होना चाहिए, वोट देवे लगी हमरा में देव, हमरा में देव, वोट पड़ जाता है, सब लोग सूख जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बता रही हैं, इलेक्शन के समय वोट मांगने आते हैं, उसके बाद वोट खत्म होने के बाद
सो जाते हैं, आंख में पट्टी बांध के सो जाते हैं। ये दृश्य आप देखें, कहेंगे कि अरे ये का दिखा रहे हैं, लेकिन जब जब इस तरह का डेवलपमेंट हमारे आंखों के नजर में पड़ता है तब तब ये डेवलपमेंट हम दिखाई देते हैं। और देख के आप सोचिए, ये सड़क है जयगांव तो ग्राम पंचायत जाता है, और इस सड़क पे गंगा बह रहा है। यहाँ से ड्रेन भी है, ड्रेन के ऊपर बढ़िया से स्लैब लगा हुआ है, और ड्रेन भले ड्रेन का काम ना कर रहा हो, पार्किंग का जरूर बढ़िया से काम कर रहा है, काम में आ रहा है, लेकिन नाले का पानी गंगा बह रहा है जयगांव के सड़कों पे। हम लोग और यहाँ के कुछ दुकानदार से बात करेंगे। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुणाल दास। अच्छा, समस्या होता है यहाँ पे? पूरा ही समस्या है। नाला का पानी आपका दुकान? नाला का पानी पूरा, नाला जाम है, नाला का पानी तो ओवरफ्लो होके हम लोग का दुकान के इधर से जा रहा है, पूरा छीटा हम लोग का शरीर में लग रहा है। हम लोग का सरकार यहाँ पर बराबर नेता सब इधर से जाता है, लेकिन आग से दिखाई नहीं देता है, हम लोग को बोलना पड़ता है काम करो बोल के। कैसा है सरकार? हम लोग का काम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? आज दो साल से तो ऐसे ही है। ऐसे ही है? हाँ। अच्छा, खाली वोट के टाइम में वोट चाहिए। इलेक्शन हुआ? हाँ, वोट चाहिए। हाँ, वोट चाहिए हम लोग को। खाली वोट चाहिए? खाली वोट चाहिए। कोई नेता लोग ये नहीं देख रहा है? ना, वो वोट के टाइम में देखेगा। पैदल जाता है ना, गाड़ी से जाता है? गाड़ी से, बराबर गाड़ी से, बड़ा गाड़ी से, इसीलिए नहीं दिखता होगा। नहीं, काला शीशा रहता है। नेता लोग को क्या बोलिएगा? क्या बोलेगा? तो हम लोग बोलने का तो हक नहीं है, लेकिन काम तो करता नहीं है, खाली वोट चाहिए। काम करने के लिए नहीं बोलिएगा? तो बोल के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना? कस्टमर ऐसा पानी से आता है, अभी कहाँ से आएगा? रोड जाम है, इधर से पानी पूरा छीट रहा है, कैसे जाएगा? इधर देखिए आप, पूरा मैला फेंका हुआ है, नाला भर गया है, उधर नाला भरा हुआ है, पूरा जाएगा, पूरा का नाला भरा हुआ है। तो बोलना पड़ता है कहीं से हम लोग को डेवलप करने वाला नेता लोग को। ये डेवलपमेंट है क्या? ऐसे उन लोग के लिए यही डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट है। हाँ, वो जो जेडीओ का सामने एक ब्रिज है, वो आज 10 साल नहीं 15 साल से हम वैसे देख रहा है, एक्सीडेंट होकर गोड टूट जा रहा है पब्लिक का, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है नेता लोग को। नेता लोग को नहीं दिखाई दे रहा है रोड, इलेक्ट्रिक ऑफिस का सामने रोड ऐसा है, दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या बोलेगा इन लोग को? क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है कुणाल दास। कुणाल दास कहाँ रहते हैं? हम यही रहते हैं जयगांव में। जयगांव में रहते हैं। ये दृश्य आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं, दुर्भाग्य है ऐसे दृश्य को आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं, और ये समस्या हमेशा इसी तरह से देखने को मिलता है, और दादा कहाँ नाम है आपका? गंगा दास। अच्छा गंगा दास, यहाँ पे आपका सड़क पे गंगा बह रहा है? हाँ हाँ, वो दिख रहा है। तो कैसा लग रहा है? वो बहुत कैसा गंदा रहा है, तो गंदा रहा है, बैठने का भी रास्ता देख रहा है। रास्ता में चलने फिरने का बहुत दिक्कत है। ये तो रास्ता डीपी जाता है, ग्राम पंचायत जाता है, ग्राम पंचायत लोग, ऑफिसर लोग इसी रास्ता से जाता है। जा रहा है तो जा रहा है, वो तो दिखना चाहिए ऐसा है रास्ता, वो तो हर आदमी दिखता है, हर इंसान तो देख रहा है। तो ऐसे छोड़ दिया गया है? छोड़ दिया वो, अभी हम लोग कैसे बोले, यहीं पे नाला भी ब्लॉक हो गया है। हाँ, नाला सब कुछ ब्लॉक है, अभी वो ब्लॉक से पानी निकलता है। हाँ। पानी निकल के गिरा है, पूरा बंदा निकल रहा है तार। लेकिन हम लोग, हाँ नहीं, वो तो शहर हर इंसान देख रहा है। हाँ। गाड़ी घोड़ा चलने का इधर उधर सब बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं। नहीं, क्या बोलेगा नेता लोग को? आप क्या बोलेगा नेता लोग के लिए? हम लोग क्या बोला, वो लोग तो खुद आदमी हम लोग जैसे आए, वो लोग काम तो करना चाहिए, इस तो करना चाहिए। ओ आप लोग तो अभी अंजना आदमी है, क्या बोले, हम लोग का एक लेके बात सुन नहीं चलेगा। हाँ, नहीं सुनने वाला। अच्छा, ठीक है ठीक है। हम ये अंडा दुकान है हम लोग का इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम बताया आप? गंगा दास बता रहे हैं किस तरह से बदबू यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से समस्या यहाँ पे हो रहा है, और ये दृश्य आप सभी के समक्ष दिखाने का उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ के नेतागण और अधिकारीगण नींद से जागे, आंखों से पट्टी हटाएं और ये दृश्य को देखें और इसका
समाधान करने के लिए कार्य करें। अब ये इसका उपाय क्या है, कैसे होगा, इसके लिए आप लोग खुद सोचे, अन्यथा आप, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तो हमसे जरूर संपर्क करें, आपको वो उपाय भी हम लोग आपको बता देंगे। जय कॉमरस के लिए विजय कुमार गुप्ता, मैं इस समय आप सभी के समक्ष से विदा लेना चाहूंगा, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। जय हिंद।